ओके सो गाइस द मोस्ट अवेटेड सब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ यू नाउ. काफ़ी लोगों को ये इजी लगता है, काफ़ी लोगों को ये डिफिकल्ट लगता है, मॉडरेट तो शायद ही कुछ लोगों को लगता होगा. एंड सेकेंडली मे बी ये वास्ट है, इसमें प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत पड़ती है, इसमें काफ़ी चीज़ें कैलकुलेशंस इन्वॉल्व है, शायद इसीलिए भी ये आपका वन ऑफ द मोस्ट सब्जेक्ट ऐसा एक बन चुका है कि यार इसको पढ़े कैसे एंड 90 डेज में एग्जैक्टली क्या क्या चीज़ें मुझे करनी चाहिए एग्जाम के पहले, सो दैट मैं एक अच्छी तरीके से ये मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट को प्रिपेयर कर पाऊँ. सो ये काफ़ी स्टूडेंट्स का क्वेश्चन रहा होगा 101%, एंड इसी के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ. जैसे कि आप देख सक रहे हो मेरे BCR बीसीके का आपने शायद लेक्चर देखा होगा, ये वाला 90 डेज का एक्शन प्लान, सेम फॉर्मेट में मैं इसको भी प्रेजेंट कर रहा हूं. पहले आईसीए का वेटेज देखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट के बारे में जानेंगे थोड़ा सा, खास करके उन लोगों के लिए जो नई नई पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं अभी. देन टू केसेस, वन 15 सितंबर तक अगर आपका सिलेबस खत्म होता है, दूसरा 15 अक्टूबर तक अगर आपको लेटेस्ट में लेटेस्ट खत्म करना ही है, एंड देन किस सीक्वेंस में पढ़ाई करनी है, कुछ टिप्स मेरी तरफ से जो खास काम की बात किसी के साथ जो हम करते हैं उस चीज पे फोकस करेंगे. सो यस, लेट्स मूव ऑन टू द वेटेज. ध्यान से देखना, बहुत बड़ा वेटेज है, एकदम ध्यान से देखो, एकदम ध्यान से देखो. तीन पार्ट में डिवाइडेड है पूरा मैथमेटिक्स, एक तो बिजनेस मैथमेटिक्स है, दूसरा लॉजिकल रीजनिंग है, तीसरा स्टैटिस्टिक्स है, राइट. सो तीनों चीजों के बारे में आपको बेसिकली चीजें तो पता है, यानी कि आप मेरा चाहिए तो फर्स्ट लेक्चर भी देख लो एग्जाम ओरिएंटेड सीरीज का, जो पूरी सीरीज यूट्यूब पे सीए फाउंडेशन वी स्मार्ट चैनल पे अवेलेबल है, उसमें आपको पता चल जाएगा तीनों का बाइफर्केशन क्या क्या चीजें होती है. सो घुमा फिरा के 40 मार्क्स का बिजनेस मैथमेटिक्स है, 40 मार्क्स का स्टैटिस्टिक्स है, 20 मार्क्स का लॉजिकल रीजनिंग है. अगर मैं बात करूं बिजनेस मैथमेटिक्स में, एक एक ही चैप्टर है जो सबसे ज्यादा वेटेज कैरी करता है, आईसीए 15 रेकमेंड करता है, बट 20 मार्क्स के लिए भी आया है ये एग्जाम में इसके पहले, बिलीव मी गाइस. सो 15 मार्क्स के लिए टाइम वैल्यू ऑफ मनी, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सब चीजें उसमें है जो बेसिक थर्ड स्टैंडर्ड में अपन ने पढ़ा था, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल वैल्यू माइनस कॉस्ट वैल्यू, इस लॉजिक के ऊपर आधारित पूरा चैप्टर बेस्ड है वो. एंड देन रेशियो प्रोपोर्शन फॉर 6 मार्क्स, तो ये मेनली डिफाइन करता है बिजनेस मैथमेटिक्स को. नंबर टू लॉजिकल रीजनिंग, इक्वल वेटेज, 5 चैप्टर्स आर देयर, 4 मार्क्स ईच, एंड ये जाता है आपका 20 मार्क्स के लिए. कहीं भी बहुत अच्छे से स्क्वेरिंग हो सकता है ये हर स्टूडेंट के लिए, राइट. नेक्स्ट मूविंग ऑन टू स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स में अगर मैं देखूं तो चैप्टर नंबर 14, 15A and 15B, यानी कि मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्शन और स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा, जो कि थ्योरेटिकल चैप्टर माना जाता है, ये मिला के आपका आधा स्टैटिस्टिक्स बन जाता है गाइस. इसके अलावा प्रोबेबिलिटी, यस. सो ये बनता आपका मेजर सिलेबस जो है स्टैटिस्टिक्स का. सो इस तरीके से तीनों चीजें डिवाइडेड है. जो लोगों को डर है कि सर कैलकुलस, लिमिट्स, इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव्स, सिर्फ 3 मार्क के लिए बेटा, 3 से 5 मार्क के लिए आ सकते हैं एग्जाम में एनीवेयर. आप स्किप तो मत करना इसको, बट जरूर देख के जाना, कुछ बेसिक चीज अगर आ गई ना यार तो बोनस मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है. आगे बढ़ते हैं. नाउ कंक्लूजन क्या कर सकता हूं मैं, एक तो आपको क्या करना है, खुद को आपको इंडिविजुअली अपने लिए अपना प्लान बनाने के लिए आपको वेटेज प्लस आपकी डिफिकल्टी लेवल के हिसाब से आपका टाइम टेबल बनाना है, नंबर वन. नंबर टू, आईसीए के मॉड्यूल में जो एक्सरसाइजेस दिए हुए हैं, जो कि अगर आपने मेरे नोट्स से पढ़ा होगा तो मेरे नोट्स में भी वो चीज कवर की हुई है पूरी तरीके से, और जो हमारे एग्जाम ओरिएंटेड वीडियोस अवेलेबल है सीए फाउंडेशन वी स्मार्ट चैनल पे यूट्यूब पे, इसमें भी वो चीजें पूरी कवर्ड है. ये पहला पहला पूरी चीज पूरी तरीके से करनी है. लगभग लगभग पूरे सब्जेक्ट में 2000 के आसपास क्वेश्चन मिल जाएगा आपको. एडिशनल क्वेश्चन बैंक करे क्या सर, यूजुअली क्वेश्चन होता है. मैं सजेस्ट करूंगा पहले ना करो, पहले मॉड्यूल की एक्सरसाइज खत्म करो, उसके बाद एमटीपी आरटीपी करो आईसीए के, आईसीए के प्रीवियस क्वेश्चंस करो एग्जाम के, उसके बाद अगर टाइम बचता है तो पहले टाइम वैल्यू ऑफ मनी, उसके बाद परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस, इनके एडिशनल क्वेश्चन बैंक करो, फिर अगर टाइम बचता है, सब सब्जेक्ट्स आपके प्रॉपर चल रहे हैं और टाइम बच रहा है तो ही जाके एडिशनल क्वेश्चन बैंक बाकी चैप्टर्स के प्लीज हाथ लगाना. तब तक नहीं लगा तो भी चलेगा, बट आईसीए के मॉड्यूल के जो क्वेश्चन है, यानी कि एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है, यही काफी कॉम्प्रीहेंसिव और काफी डिटेल्ड है. सो दोज आर इनफ. यस, नेक्स्ट मूविंग ऑन टू सब्जेक्ट में एक्जैक्टली क्या क्या है, नंबर्स, कैलकुलेशन, यस माई फेवरेट. सो शायद काफी स्टूडेंट्स का ये फेवरेट होता है नंबर्स एंड कैलकुलेशन. नंबर दिख गया ना यार, चार्टर्ड अकाउंटेंट मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट इज अ पर्सन हु विल प्ले विद नंबर्स वंस ही क्वालिफाइज, राइट. सो ये जो सीए स्टूडेंट जब चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेगा, ये नंबर्स के साथ खेलने वाला है, ये काफी अलग अलग कैलकुलेशन करने वाला, भिन्न भिन्न प्रकार के कैलकुलेशन करने वाला है, बी इट मैथमेटिक्स, बी इट कॉस्टिंग, बी इट अकाउंट्स, बी इट फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बी इट व्हाटसोएवर, ये कैलकुलेशन बंदा करने वाला, बी इट टैक्सेशन फॉर दैट मैटर, राइट. नेक्स्ट मूविंग ऑन टू यहाँ पे फॉर्मुला के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, खास करके स्टैटिस्टिक्स में लॉजिक के ऊपर भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, या मैथमेटिक्स में जहां पे कोई एक कांसेप्ट पढ़ा है उसका फॉर्मूला, उसका थ्योरम पढ़ा है, उसके एप्लीकेशन किया हुआ है कहीं पे, उसके बेस्ड भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. नेक्स्ट जैसे कि मैंने बोला लॉजिक के ऊपर या एप्टीट्यूड के ऊपर बेस्ड, कि अगर लाइक से आई एम देयर, तो मैं मेरे घर से निकल रहा हूं और मैं कुछ लेफ्ट राइट लेके कहां तो पहुंच रहा हूं, समझो मेरे ऑफिस पे पहुंच रहा हूं, तो मेरे घर से मेरा ऑफिस कौन से डायरेक्शन में है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ गया, एप्टीट्यूड लॉजिक्स, राइट. एंड देन फोर्थ वन, थ्योरी पार्ट भी इंपॉर्टेंट है, थ्योरेटिकल एमसीक्यूज भी आते हैं. यस, पेपर एमसीक्यू है, पूरा पेपर एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, क्वेश्चन दिया होगा, 4 ऑप्शन दिया होगा, सही ऑप्शन सेलेक्ट करना है, सही सेलेक्ट किया आगे बढ़ गए 1 मार्क्स से, नहीं सेलेक्ट किया तो -0.25 नेगेटिव मार्किंग, अटेम्प्ट नहीं करते तो कुछ भी नहीं, 0 मिलेगा, मतलब मार्क्स नहीं मिलेगा उस चीज के, ठीक है. चलो मूविंग ऑन टू दी प्लान्स नाउ. ओके,
सो दो टाइप में डिवाइड किया है मैंने. नंबर वन वो स्टूडेंट जो 12th का एग्जाम दे गए, 11th 12th के साथ, या 12th का एग्जाम देके पढ़ाई चालू कर दी थी जिसने, और अभी 15th सितंबर तक, 15th सितंबर बोल रहा हूँ मैं, अगस्त में नहीं खत्म कर रहा हूँ इसको, फर्स्ट रीडिंग को. 15th सितंबर इसलिए क्योंकि बेटा थोड़ा सा लेंदी सब्जेक्ट है और काफी टाइम इसमें आप शायद बोर हो जाते हो, टाइम नहीं दे पाते उतना, बाकी चैप्टर्स भी आपको, बाकी सब्जेक्ट्स भी करने होते हैं. सो 15th सितंबर सेफ साइड पकड़ा है मैंने. फर्स्ट रीडिंग एक बार पूरा सब्जेक्ट पढ़ के हो चुका है, एक हाथ चैप्टर कम ज्यादा चल जाता है. इसके बाद आपको पूरा पूरा एक महीना क्या करना है, 15 डेज ऑफ सितंबर, 15 डेज ऑफ अक्टूबर, रोज एक घंटा निकालना है. 50 मिनट मैंने लिखा है टेंटेटिवली, एक घंटा निकालना है. 15 मिनट में जो आपने फॉर्मूला बुक या समरी बुक बनाई होगी, नहीं बनाई होगी तो बना लो, उसको रिवाइज करना है, उसमें से फॉर्मूलास पढ़ने हैं, फटाफट फटाफट देखना है उनको, जितने हो सके 15 मिनट में करने हैं. दूसरे दिन उसके आगे से कंटिन्यू करना है अगर कुछ बच जाते हैं तो, एंड इवेंचुअली आप 15 मिनट में शायद कवर कर पाओगे पूरे. उसके बाद आपको फोकस करना है 35 मिनट्स में एटलीस्ट 25 क्वेश्चंस, रैंडम 25 क्वेश्चंस रोज सॉल्व करना है. रैंडम मतलब बुक बंद करो आपका मॉड्यूल, मॉड्यूल ओपन करो, जो भी पेज खुला उसके दो क्वेश्चन लो, रैंडमली सॉल्व करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. आप कोई भी रैंडम क्वेश्चन सॉल्व करो, बस आपके मॉड्यूल के क्वेश्चन या एमटीपी आरटीपी के स्कैनर के क्वेश्चन सॉल्व करो, एंड 35 मिनट्स में रोज 25 क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए एक महीने के लिए करीबन. एक महीना ये स्ट्रिक्टली शेड्यूल फॉलो करना है बेटा, स्ट्रिक्टली. So, यहां पे आपका अच्छा खासा फर्स्ट रिवीजन हो जाएगा. इसके बाद दो मैराथन्स, दो यानी कि पूरा सब्जेक्ट रिवाइज करना है, फॉर्मूला बुक से, समरी बुक से, मेन बुक से प्रैक्टिस करना है, जो भी करना है कर लेना है आपको. उसके बाद आपको पेपर सॉल्व करना है एग्जाम कंडीशन में, दो घंटे में पूरे क्वेश्चंस, राइट. ये दो बार होना चाहिए 15 दिन के अंदर, 15th अक्टूबर से लेकर 30th अक्टूबर तक, राइट. अब इसमें सिर्फ इतना नहीं है, इसमें आपको रिवाइज भी कंटिन्यूस करते रहना है. लाइक जब आप मैराथन के लिए जा रहे हो तो इट इज नॉट ओनली दी मैराथन, बट आपको कंटिन्यूसली रिवाइज भी करते रहना है उसमें, राइट. अगेन डिस्क्लेमर, जैसे कि मैंने मेरे पहले लेक्चर्स में भी दिया हुआ है, ये सिर्फ आपके लिए टूल है, गाइडेंस है, टिप्स है, आपको अपने हिसाब से इंडिविजुअल प्लान्स बनाने हैं, एंड हम इंडिविजुअल प्लान्स को डिस्कस कर सकते हैं हमारे क्लासेस के बाद या फिर व्हाट्सएप पे. आपके पास मेरा नंबर होगा ही शायद से, मैं एंड में बता दूंगा एक बार, राइट. अब जाते हैं सेकंड, उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी अभी पढ़ाई चालू की है और जो बिल्कुल कंफ्यूज्ड है कि सर ये जो 90 डेज है इसमें मेरी पढ़ाई पूरी हो जाएगी क्या, जीरो से स्टार्ट किया तो. यस बेटा, बिंदास करो, अच्छे से हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा. बस सीरियसली डेडिकेटेड हार्डवर्क कंसिस्टेंसी से करना है. सो फर्स्ट रीडिंग 15th अक्टूबर तक, आपको एक महीना एक्स्ट्रा टाइम टेबल में सेट करके दे रहा हूं मैं. 15th अक्टूबर तक फर्स्ट रीडिंग निपटाना है. उसके बाद रोज 1.5 घंटा आपको लेकर बैठना है, 20 मिनट फॉर्मुला रिवीजन, 70 मिनट्स में रोज 55 क्वेश्चंस, ये करना है आपको अगले 15 दिन के लिए 30 अक्टूबर तक. उसके बाद कम से कम एक, मैं तो सजेस्ट करूंगा दो, बट टाइम शायद कम पड़ जाएगा. पहले 5 दिन नवंबर के, आपका एग्जाम चालू होता है 9 या 10 तारीख से, 11 तारीख से, आपको पहले 5 दिन में आपको एक टाइम तो भी मैराथन रिवीजन करना है और उसके पेपर एक सॉल्व करने हैं, राइट. सो ये मोटा मोटी आपका प्लान रहेगा. सेम जो भी टिप्स मैंने पिछले केस के लिए बोली, सेम यहां पे भी एप्लीकेबल हो जाएगी. नाउ नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू, अब आते हैं सीक्वेंस पे कि कैसे करना है. सबसे पहले मैं सजेस्ट करूंगा आपको, जो लोग मेरा रिवीजन बैच अटेंड कर रहे हैं, जो सीए फाउंडेशन वी स्मार्ट के यूट्यूब चैनल पे लेक्चर्स है वो भी देख रहे हैं, एंड इसके साथ साथ जो हम लोग जूम, गूगल मीट, वेबएक्स, इन सब एप्लीकेशंस को यूज करके जो हम प्रैक्टिस सेशंस रोज ले रहे हैं, अभी अभी जो स्टूडेंट्स आए हैं इन लोगों के लिए भी है, जो रेगुलर बैच के लिए भी है. रेगुलर वालों अपना टाइम टेबल फॉलो करो, जो रिवीजन में आए रिवीजन जिस हिसाब से मैं ले रहा हूं वो टाइम टेबल फॉलो करो. इसके अलावा अगर और कोई स्टूडेंट है जो सिर्फ मेरा लेक्चर देख रहा है, रिवीजन क्लास अटेंड नहीं कर रहा है लाइव, तो उस केस में आप ये वाला फॉर्मेट फॉलो कर सकते हो. पहले बेसिक लेक्चर्स देखने, पहले 4-5 जो भी है बेसिक्स कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद आपको चैप्टर नंबर 1 जाना है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, फिर आपको चैप्टर नंबर 2, जो चैप्टर नंबर 1 एक्चुअल में है बिजनेस मैथमेटिक्स का, रेशियो प्रोपोर्शन इंडाइसेस लॉगरिथम, उसके बाद आपको जाना है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पे, ये आपका पहला लॉट लेगा. इसके साथ साथ आपको एलआर पे वर्क करना है. दूसरे लॉट में आपको लेना है स्टैटिस्टिक्स, जिसमें चैप्टर नंबर 14 जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो लेना है, और ये बेस बनता है आपका चैप्टर 15A 15B, यानी कि मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और डिस्पर्शन का, इसको कंप्लीट करना है. इसके बाद प्रोबेबिलिटी लेना है, इसके बाद जो मैथ्स के और जो स्टैटिस्टिक्स के बचे हुए लेक्चर है ये करना है, और एलआर तो कंटिन्यूस रिवाइज करते रहना है, रोज कुछ 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 क्वेश्चंस लेने हैं, राइट. सो इस तरीके से आपका मोटा मोटी सीक्वेंस रहना चाहिए, एंड ये मैं स्ट्रिक्टली आपको बोलूंगा प्लीज फॉलो करो. नेक्स्ट, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन शुड बी कंसीडर, अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के क्वेश्चंस देखो. सबसे इंपॉर्टेंट है आपको कंटिन्यूस इवेल्युएट करना है कि आप बिना दिख के जो मैंने बोला रैंडमली क्वेश्चन सॉल्व करने हैं वो कर पा रहे हो क्या नहीं, और टाइम मैनेज कर पा रहे हो क्या नहीं. यूज करना है कैलकुलेटर का सबसे बेस्ट, जितना शॉर्टकट कर पाओगे, जितना कैलकुलेटर पर कर पाओगे डायरेक्टली, उतना स्पेस बचेगा, टाइम बचेगा, एफर्ट्स बचेगा, और आप अगले क्वेश्चन को अच्छे से हैंडल कर पाओगे. यू हैव टू बी, सबसे इंपॉर्टेंट है बी काम. पूरा पेपर नहीं है ना, पेपर देख लिया मैंने, मेरे को पूरा पेपर नहीं समझ आ रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक एक करके सॉल्व करूंगा. अगर मैंने पूरा पेपर देख लिया और मेरे को लग चुका कि यार मैं फेल होने वाला हूं, तो ठीक है ना यार, तुम पैनिक क्यों हो रहे हो, तुम एक एक करके प्रॉपर जितना बेस्ट दे पाते हो उतना बेस्ट दो. मेरे साथ बहुत बार हुआ है, मेरे स्टूडेंट्स के साथ बहुत बार हुआ है कि यार मैथ्स में लगा कि यार मैं फेल होने वाला हूं, कोई भी सब्जेक्ट में लगा, बट फिर कामली बैठ के यार हमने वो एक्सेप्ट कर लिया, चलो पढ़ाई नहीं हुई है बराबर से, शायद मैं फेल हो जाऊंगा, बट प्रॉपरली कामली एक एक चीज सॉल्व किया ना, मे बी मैं पास हो जाता हूं अनएक्सपेक्टेडली, हो सकती है ये चीजें, और होती है, मेरे साथ तो बहुत बार हुई है. सो इस चीज को प्लीज नोट करना.
नेक्स्ट एग्जाम पेपर में सॉल्विंग करने का सीक्वेंस, जो क्वेश्चन पर ज्यादा कॉन्फिडेंस है पहले सॉल्व किया जाए, उसके बाद में सॉल्व किया जाए। सो दीज आर फ्यू टिप्स फ्रॉम माई साइड, एंड मैं चाहूंगा कि हर स्टूडेंट जो इस वीडियो को देख रहा है वो मैथ्स काफी अच्छे से पढ़ सके एंड पास हो जाए इस सी ए फाउंडेशन के एग्जाम में। अब की बार नवंबर पर इसमें खत्म करना है, आगे नहीं खींच के चलना है इसको। एंड बिलीव मी गाइज, जो सीक्वेंस मैंने आपको दिया है, जो स्ट्रेटेजी मैंने आपको बताई है पिछले 10 मिनटों में, दिस विल श्योरली वर्कआउट फॉर यू। इंडिविजुअल केसेस वी कैन डिस्कस इट ऑन 7887 7810। रात में 8 बजे से 10 बजे तक आप कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप पे कॉल करना हो सके तो जितना, एंड नहीं तो भी आप क्वेरी छोड़ दो, मैं आपको 2 दिन के अंदर रिप्लाई कर दूंगा। आप आपका टाइम टेबल बना के मेरे साथ डिस्कस कर सकते हो, मेरे को मत काम पे लगाओ कि टाइम टेबल बनाओ सर क्यों, मैं कर सकता हूं, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं 2-3 दिन निकालूंगा। आप जितने भी 1000-2000 स्टूडेंट्स हो आप सबके लिए टाइम टेबल बना के दे दूंगा। बट गाइस इससे चीज ये है कि मैं आपको पर्सनली नहीं पहचानता हूं, आप अपने आप को खुद पहचानते हो, तो खुद से टाइम टेबल बनाओ, वो टाइम टेबल मेरे से वेरीफाई करा, उसमें कुछ मुझे मेजर अगर लग रहा है कि गलत जा रहे हो आप डायरेक्शन के हिसाब से, अप्रोच के हिसाब से, मैं उतना चेंज करवा लूंगा, बाकी आपका टाइम टेबल रहेगा। सो इस चीज को प्लीज नोट करना। एंड यस, मैथमेटिक्स में इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है, अगर आपके पास 11th 12th कॉमर्स में मैथमेटिक्स नहीं भी लिया हुआ है तो भी बेटा ये 10th के बेसिस के इस पे ही ये पूरा सब्जेक्ट बनाया हुआ है सीए फाउंडेशन में आईसीएआई ने। सो आपको प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए ज्यादा, एंड 90 डेज आर सफिशिएंट टू क्लियर, नॉट अ प्रॉब्लम। कंसिस्टेंसी हार्डवर्क आपको दिखाना है, आपको रोज क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, जो प्लान मैंने बोला है मोर और लेस इसको फॉलो करना है, इसका 80% 90% भी फॉलो गया ना यार तुम अच्छे मार्क्स से पास हो जाओगे, ठीक है। सो दैट वॉज ऑल फॉर 90 डेज एक्शन प्लान फॉर सीए फाउंडेशन मैथमेटिक्स। ऑल द बेस्ट, टेक केयर गाइस।